तो आपको भी कुछ अपने फ़ोटो को इस तरह से गोरा और स्मूथ बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि इस तरीके से कैसे स्मूथ और वाइट इफेक्ट डाला जाता है स्क्रेच बुक से। स्क्रेच बुक में शेयर कर चुके हैं और शेयर करने के बाद इसमें और कुछ स्मूथ करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, ब्रश चूज करेंगे। ब्रश हमें लेना है ये वाला जो आपको दिख रहा है, इस ब्रश को के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग कुछ इस तरीके से रखना है। फ्लो को रखना है 4 और जो नीचे वाला स्ट्रेंथ को रखना है 8 और साइज अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग। तो इसको कर लेते हैं स्मूथ। तो आप देख सकते हैं स्मूथ हो रहा है। तो आप जितना अच्छे से टाइम लगाएंगे अपने फ़ोटो के ऊपर उतना ही अच्छा स्मूथ और ख़तरनाक रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को कर देता है फास्ट, जल्दी जल्दी इसको स्मूथ करने के बाद फिर आगे बताते हैं, नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी। सब स्मूथ होने के बाद अब यहाँ से होता है फ़ोटो का असली खेल शुरू। तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा, स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो धीरे धीरे आपको बताएंगे। तो यहाँ से आपको यहाँ दिख रहा होगा ये लेयर बनाना है एक, तो इस पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिखेगा, प्लस पर करेंगे तो एक लेयर बन जाएगा। अगर गलती से आपका दो लेयर बन जाता है, इसे डिलीट करना है, इसको प्रेस करके रखिए फिर डिलीट वाला आ जाएगा, फिर इसे इस तरीके से डिलीट कर देंगे। फिर इसको इसके लिए ब्रश चूज करेंगे हम, ए वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर वाला ब्रश यूज़ करेंगे। गलती से दूसरा कर लेंगे तो ख़राब हो जाएगा, आपकी फ़ोटो कुछ अच्छी नहीं बन पाएगी। और इसकी सेटिंग को रखना है, ऑपोसिटी को रख देना 100, साइज अपने हिसाब से। और फिर लेयर पर क्लिक करेंगे और जो यहाँ ब्लेंडिंग वाला दिख रहा है नॉर्मल है, तो इसे करना है हमें सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट यहाँ पर दिख रहा है, सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। और कलर पर जाएंगे, कलर हमें वाइट लेना है। कलर बाद कुछ इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा जिस अपने पूरे फेस पर अच्छे से। अगर आप ऑब्जर्व कर करके अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ोटो अच्छी बन जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हो जाएगा। कुछ अच्छे तरह से अप्लाई करने के बाद वीडियो कर देते हैं फास्ट।
जगहों पर अप्लाई करने के बाद फिर से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना है और कर देना सही। फिर आपको एक लेयर बनाना है और इस लेयर को भी कर देना सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट करने के बाद यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर चल के इसको रेड कर देना है। रेड करने के बाद अपने लिप्स पर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है, जिससे कि हमारा लिप्स एक रेड लगे, वाइट वाइट हो गया है तो एक अच्छी एक लुक मिले हमारे लिप्स को। तो आपको कुछ इस तरीके से अप्लाई करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाके इसकी ओपेसिटी को कर देना है कम। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ गया है हमारे इस पूरे फेस पर। और आप देख सकते हैं बालों में थोड़ा वैसा लग रहा है, जो कि बाल अलग से फेस स्मूथ किया है। इसके लिए आपको करना है फिर अपने जो पहले बनाए थे उस वाले ऑप्शन पर ब्रश की ऑपेसिटी को हल्का थोड़ा कम कर देंगे, 50 के अराउंड रख देंगे 50 के, और फिर इसे अच्छी तरह से इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। ये सब करने के बाद और आप देख सकते हैं, और जो मेरा है आईब्रो और जो है बाल है ब्लैक ज़्यादा है, तो इसके लिए फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक लेयर बना लेना है। जो लेयर बने उसका कलर रखना है ब्लैक। ब्लैक इसलिए रखना है और ब्रश की ओपेसिटी कर देना है लगभग 10 के अराउंड, और जूम करके इसको रखना है सॉफ्ट लाइट में इसको भी, और जूम करके बस हल्के हल्के हाथों से अपने आईब्रो पर चलाना है। तो इसे अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद हम इस फोटो को टूल विज एप्लीकेशन में शेयर करते हैं। टूल विज एप्लीकेशन में आने के बाद अपने बालों को स्मूथ करेंगे अच्छी तरह से, फेस और बालों को मर्ज कर देंगे। तो स्मूथ करने के लिए इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट और सॉफ्ट स्मूथ ये वाला यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आपको फोर्थ नंबर वाला एक इफ़ेक्ट चूज़ करना है फोर्थ, तो आपको फ़ोटो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। इसे फेस से हटाने के लिए मास्क, यहाँ पे आप देख रहे हैं मास्क लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको कर दें क्लीन। क्लीन करने के बाद अप्लाई पे चला जाएगा, तो अप्लाई कर अपने सिर्फ हेयरों पर अप्लाई करना है। सेव हो जाने के बाद आपको फोटो दिखा देते हैं। ये है चूँकि हमारी फ़ोटो एडिटिंग पूरी कंप्लीट प्रोसेस एकदम पूरा सक्सेसफुल, तो आप देख सकते हैं बाल कितना स्मूथ हो गया एंड फेस भी कितना स्मूथ हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।